औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के सिमरी गांव के न्याय सचिव 8 वर्षों से अपनी नौकरी की स्थायी के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी स्थायी नहीं होने से समस्या से ग्रसित हैं न्याय सचिव उनके संग। मेरा समस्या है कि हम ग्राम कचहरी सचिव पद पर हैं जी, जिसे 2007 में हम लोग का बहाली हुआ था जी, और अभी तक हम लोग 9 साल से खट रहे हैं, लेकिन हम लोग का पेमेंट का भुगतान समय के अनुकूल नहीं होता है और अस्थाई हम लोग हैं भी नहीं। 13-14 के मानदेय के बकाया है, 15-16 की बकाया है, जिससे बच्चों लोग को न तो उन लोग को पढ़ा पाते हैं, न इलाज करा पाते हैं, न हम लोग समय के अनुकूल खा भी पाते हैं। तो आप लोग का पेमेंट कितने दिन पर होता है? हम लोग का पेमेंट कभी 2 साल पर होता है, कभी साल भर पर होता है, कोई ठिकाना ही नहीं है। सबसे कम वेतन हम लोग को मात्र 65 रुपया पर डे की मानदेय पर रखा गया है, जो भी लगातार कभी मिलता ही नहीं। आज भी हमारा वेतन वर्षों का लंबित है, 2-3 साल का वेतन सरकार ने अभी तक रोक करके रखा हुआ है और कभी भी हम लोगों को नियमित करने के विषय में सरकार ने सोचा नहीं। स्थिति यह है कि आज हमारे ग्राम कचहरी सचिव जितने भी बिहार में हैं, सारे लोग भुखमरी की कगार पर हैं। पूरे बिहार में 8,393 सचिव हैं और सबों के साथ ये है, किसी को भी इससे अपना घर परिवार चलाने भर का क्षमता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार में जितने लोग हैं, 65 रुपया मजदूरी पर आज हिंदुस्तान में किसी भी मजदूर का मजदूरी नहीं है, जो हम लोगों को सरकार दे रही है, शोषण कर रही है सरकार हम लोगों की। हमने पंचायती राज मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी कई बार ज्ञापन दिया, उनसे मुलाकात किया, लेकिन किसी सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। वीडियो देखने वाले साथियों से अनुरोध है, कृपया वीडियो देख करके पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत के मोबाइल नंबर 9471067 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि समस्या का निदान हो सके। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महुआ, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया नेट के लिए।